नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तितली और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी तितली में। जैसा कि पिछले वीडियोस में मेष से वृश्चिक राशि तक का जून महीने का संपूर्ण राशिफल मैंने बताया है, अगर आपने अभी तक वह वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के वीडियो की पहली राशि धनु राशि से। धनु राशि के जातकों के लिए यह महीना ठीक रहने की संभावना है। करियर के दृष्टिकोण से जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनकी तरक्की होना निश्चित है। जितनी अधिक मेहनत करेंगे उतना ही तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे, परंतु महीने के अंत में सहकर्मियों के साथ कुछ विवाद हो सकता है, शत्रुओं से सावधान रहें। वहीं जो जातक व्यापार करते हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। आपके व्यवसाय में उन्नति होगी, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। जिस भी काम में हाथ डालेंगे वहीं से सफलता हाथ लगेगी। हो सकता है कि आप अपने कारोबार की नई फ्रेंचाइजी यानी नई शाखा भी शुरू करने में सफल रहें। अब जान लेते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। तो आर्थिक दृष्टि से भी यह समय अच्छा ही रहेगा। आपकी मेहनत के अनुसार आपके धन की आवक बनी रहेगी, आय के नए स्रोत भी बनेंगे जिससे आपकी इनकम में इजाफा होगा। कोई बड़ा आकस्मिक खर्च होना भी संभव है, उससे भी आप आसानी से निपट लेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो धनु राशि के जातकों के स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय थोड़ा प्रतिकूल है, थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। अत्यधिक थकान और अनिद्रा के चलते स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, इसीलिए मन को शांत रखने के लिए प्रयास करें और जीवन में योग या मेडिटेशन को शामिल करें, क्योंकि इस महीने ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है। चलिए अब जान लेते हैं आपके प्रेम जीवन के बारे में। तो प्रेमी जोड़ों के लिए जून का महीना शीतलता प्रदान करने वाला होगा। यह महीना आपके संबंधों में कुछ यादगार पल लेकर आएगा। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा में हैं, उन्हें इस माह शुभ संकेत मिल सकते हैं। और यदि आप पहले से ही रिलेशनशिप में हैं, तो अपने साथी के साथ भविष्य को लेकर कोई अहम फैसले भी ले सकते हैं। अब जो लोग विवाहित हैं उनकी बात की जाए तो यह महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। जीवन साथी के प्रति विश्वास में बढ़ोतरी होगी, आपसी तालमेल बढ़ेगा, परंतु इस समय प्यार भरी छोटी छोटी नोकझोंक हो सकती है। अब यदि पारिवारिक दृष्टि से देखें तो पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव रहने की संभावना है। परिवार के सदस्यों के मध्य तालमेल बिगड़ सकता है, इस समय विशेषकर माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालांकि यह समय भाई बहनों की ओर से बहुत अच्छा रहेगा, आपको उनका भरपूर सहयोग मिलेगा। अब बारी आती है धनु राशि के जातकों के लिए सरल से ज्योतिषीय उपाय की। तो नियमित रूप से भगवान विष्णु और गणपति जी की आराधना करें और माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं शनि के स्वामित्व की मकर राशि की। तो मकर राशि के जातकों के लिए यह महीना मिश्रित फल लेकर आएगा। करियर के दृष्टिकोण से समय थोड़ा चुनौती भरा हो सकता है। महीने की शुरुआत में नौकरी पेशा जातकों के जीवन में कुछ बाधाएं आ सकती है, परंतु 22 जून के बाद से स्थितियां पहले के मुकाबले अच्छी होंगी, आपके कठिन परिश्रम का सही मूल्य मिलेगा। वहीं इस राशि के जो जातक व्यापार करते हैं उनके लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। आपके कारोबार में बरकत होगी, कारोबार बढ़ने के लिए नए लोगों से मेल मिलाप बढ़ेगा, सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएंगे। अब आगे बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन की। तो आर्थिक दृष्टि से यह महीना सामान्य ही रहेगा। आपकी आय की तुलना में खर्च कम ही रहेंगे, जिससे आप कुछ सेविंग करने में भी सफल रहेंगे। इस समय आपको पुराने किए गए किसी निवेश से भी लाभ होने की संभावना है। कुल मिलाकर यह समय बचत करने वाला रहेगा। अब बारी आती है मकर राशि के जातकों के स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय ठीक ठाक ही रहेगा। महीने की शुरुआत थोड़ी कमजोर हो सकती है, जिसके चलते आपको पेट या पेट के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत हो सकती है। आगे महीने का अंत आते आते इन सभी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और सेहत में भी सुधार होगा। इस समय घर का बना संतुलित भोजन ही करें। मकर राशि के जो जातक प्रेम में पड़े हैं उनकी बात की जाए तो उनके लिए यह महीना थोड़ा परेशानियों भरा रह सकता है। प्रेमी जोड़ों के मध्य तालमेल बिगड़ने की संभावना है। हो सकता है कि आप अपने रिश्ते को समाप्त करने की भी सोच लें, परंतु ऐसी स्थिति में धैर्य से काम लें और रिश्ते को बचाने की ओर प्रयास करें, क्योंकि समय हमेशा एक सा नहीं होता, बुरा समय भी जल्द ही बीत जाएगा। वहीं इस राशि के जो जातक विवाहित हैं
उनके लिए भी यह महीना उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं, ऐसे समय में उनके प्रति गलत धारणा बनाने से बचें और जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालांकि इस मुश्किल घड़ी में आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, परिवार के सदस्यों से भरपूर सहयोग मिलेगा, माता का साथ मनोबल बढ़ाएगा। अब बारी आती है सरल से ज्योतिषीय उपाय की, तो मकर राशि के जातकों को हर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी और शनि देव की आराधना करनी है और उन्हें सरसों के तेल का दिया लगाना है। आगे बढ़ते हैं अगली राशि कुंभ राशि की ओर। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना प्रतिकूल रहेगा। करियर की दृष्टि से दसवें भाव में केतु की मौजूदगी नौकरी में बदलाव ला सकती है। इस समय कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा पर लांछन भी लग सकता है। धैर्य से काम लें और ईमानदारी के साथ अपना काम करें। हालांकि यह स्थिति महीने के बीच से सुधरने लगेगी और नौकरी में अनुकूलता बढ़ेगी। कुछ जातकों की सैलरी में वृद्धि होने की भी संभावना है। अब जो जातक व्यापार करते हैं उनकी बात करें तो यह महीना उनके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। गलत तरीके से या गैर कानूनी ढंग से कारोबार ना करें, अन्यथा कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। 15 जून के बाद कारोबारी जातकों की स्थिति में सुधार आना संभव है। अब आगे बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन की। तो धन की दृष्टि से यह महीना अच्छा रहेगा। रोजमर्रा की आमदनी के अलावा भी कमाई के नए जरिए बनाएंगे, परंतु इस महीने खर्चों की अधिकता रहना संभव है क्योंकि 12वें भाव में शनिदेव मौजूद होंगे। इस समय धन का सोच समझ कर निवेश करेंगे तो बेहतर होगा। अब यदि बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो यह महीना सामान्य ही रहेगा। वाहन सावधानी से चलाएं, अन्यथा चोट चपेट लगने की संभावना है। मौसम से जुड़ी समस्याएं जैसे सर्दी, जुकाम या किसी प्रकार की एलर्जी भी आपको परेशान कर सकती है। इस दौरान इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सेहतमंद भोजन करें और गर्म पानी पिएं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपके प्रेम जीवन की। तो प्रेम संबंधों के लिहाज से यह महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। संबंधों में मजबूती आएगी, कभी प्यार तो कभी तकरार चलती रहेगी। इससे आपके बीच का प्रेम और अधिक बढ़ेगा। अब जो लोग विवाहित हैं उनकी बात करें तो यह समय उनके लिए भी अनुकूल रहेगा। जीवन साथी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, आपसी आकर्षण में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा क्योंकि 7वें भाव यानी दाम्पत्य भाव पर गुरु बृहस्पति की पूरी दृष्टि रहेगी जो कि आपके लिए शुभ होगी। अब यदि आपके पारिवारिक सुख की बात की जाए तो यह महीना कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता। परिवार के सदस्यों के मध्य कोई विवाद हो सकता है जिससे एक दूसरे के लिए कड़वाहट बढ़ सकती है। इस समय धैर्य से काम लें और समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। इस महीने आने वाली छोटी छोटी तकलीफों को कम करने के लिए आपको एक सरल सा ज्योतिषीय उपाय करना है। सदैव सत्य बोलना है और कुत्ते को रोटी खिलाना है। जितना अधिक पशु पक्षियों की सेवा करेंगे उतना ही अधिक शनिदेव की कृपा के पात्र बनेंगे। अब अंत में बात कर लेते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि की। तो मीन राशि के जातकों के लिए जून का महीना बहुत ही अच्छे फल देने वाला रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से आपकी सभी मनोकामना की पूर्ति होगी, मेहनत रंग लाएगी, बड़े अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे होंगे जो आपको प्रमोशन दिलाने में भी मददगार साबित होंगे। कोई नया प्रोजेक्ट या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। मीन राशि के जो जातक व्यापार करते हैं उनकी बात की जाए तो यह समय बिजनेस के लिहाज से भी बेहतरीन साबित होगा। आपकी सभी रणनीतियां सफल होंगी जिससे आपको व्यापार में पहले से ज्यादा लाभ होने की उम्मीद है। काम के सिलसिले में छोटी यात्रा भी हो सकती है। अब आगे बात करें आपके आर्थिक जीवन की, तो आर्थिक स्थिति भी इस महीने सामान्य रहेगी। इनकम के स्रोत तो बढ़ेंगे परंतु साथ ही खर्च बढ़ने की भी प्रबल संभावना है क्योंकि आय और लाभ के भाव यानी 11वें भाव पर मंगलदेव की दृष्टि रहेगी। इस समय हो सकता है कि आपको बीच बीच में धन संबंधी कुछ रुकावटें भी सामने आ सकती है, परंतु चिंता की कोई बात नहीं रहेगी क्योंकि आपका काम अटकेगा नहीं, किसी भी तरह से पूरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं आपके स्वास्थ्य के विषय में। तो मीन राशि के जातकों के लिए यह समय मिला जुला साबित होगा। इस समय आपको मौसम के बदलने से जुड़ी बीमारियां जैसे नाक, कान या गले में दर्द संबंधी समस्याएं हो सकती है, परंतु यह कोई गंभीर बीमारी नहीं है। आप अपनी लाइफस्टाइल को सही करके इन परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहेंगे
तो एक स्वस्थ जीवन का आनंद उठा पाएंगे। अब अंत में बात कर लेते हैं मीन राशि के प्रेमी जोड़ों की। तो प्रेमी जोड़ों के लिए यह महीना थोड़ा सतर्कता बरतने वाला रहेगा। रिश्तों के प्रति ईमानदार रहें, प्रेमी के साथ धोखा करने की बिल्कुल ना सोचें, अन्यथा भविष्य में पछताना पड़ सकता है। मंगलदेव की स्थिति प्रेमी जोड़ों के लिए ठीक नहीं है। परिवार के सदस्यों के कारण भी रिश्तों में तनातनी हो सकती है। वहीं मीन राशि के जो जातक विवाहित हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन के हर सुख भोगेंगे और जीवन साथी के प्रति अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे। महीने की शुरुआत में आपका पारिवारिक जीवन भी खुशहाल रहेगा। शुक्र बुध और मंगल की चौथे भाव में मौजूदगी माता की ओर से सुख देगी। परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, परंतु 15 जून के बाद आपके स्वभाव में अहंकार बढ़ सकता है, जिससे परिवार का माहौल खराब भी हो सकता है। सावधान रहें। अब बारी आती है सरल से ज्योतिषीय उपाय की। तो नियमित रूप से विष्णु जी की आराधना करें और रविवार को छोड़कर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। तो दोस्तों, यह तो था मेष से मीन राशि का संपूर्ण जून महीने का मासिक राशिफल। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं तितली आपसे आज्ञा लेती हूँ और मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।